फाइनली पल के लिए आए वरुण की असली सच्चाई सबके सामने। जे हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब काव्या वरुण की कार से उतरकर प्रीता पलकी के पास आएगी और काव्या प्रीता पलकी को कहेगी कि माँ और पलकी क्या हुआ, आप वरुण से नाराज है क्या, तभी यह सुनकर प्रीता कहेगी कुछ नहीं काव्या, तुम अंदर घर चलो, बहुत जरूरी काम है और इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जैसा सुनकर शौर्य, करण, राखी माँ सबको काफी ज्यादा अजीब लगेगा और वरुण और उसकी बनी हुई माँ को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर प्रीता और पलकी घर में सबको बुलाकर कहेगी कि काव्या की शादी ऐसे हैवान वरुण के साथ नहीं होगी, वो वरुण एक नंबर का झूठा और बदमाश है। जिसे सुनकर शौर्य और सबको काफी बड़ा शौक लगेगा। यहाँ पर जब वरुण घर में सबको बात करते हुए देखेगा और वरुण काव्या को कहेगा कि काव्या मुझे लेट हो रहा है, मेरे डैड की जान को खतरा है, जल्द से जल्द चलो काव्या, इन लोगों की बातों में मत आओ, तभी यह सुनकर काव्या कहेगी कि वरुण मुझे सुनने दो, मेरी माँ प्रीता और पलकी कुछ कह रही है। जिसे सुनकर तभी वरुण वहाँ से निकल जाने के लिए कहेगा कि ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, मुझे जाना है मेरे डैड को बचाने। और तभी शौर्य पीछे से वरुण को पकड़ लेगा और शौर्य वरुण को कहेगा कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ जरा, पहले बात तो सुन लो। और तभी दादी कहेगी अरे यहाँ पर हुआ क्या है, कोई बताएगा जरा आखिर बात क्या है। तभी यह सुनकर पलकी दादी को कहेगी कि दादी ये वरुण बहुत बुरा लड़का है और काव्या के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये वरुण काव्या की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। जिसे सुनकर तभी काव्या पीछे से पलकी का हाथ पकड़ कर पलकी को कहेगी कि पलकी मेरी शादी होने वाली है वरुण से और तुम ये सब क्या कह रही हो। तभी पलकी काव्या को कहेगी वरुण शादीशुदा है, वरुण की ऑलरेडी पत्नी है और वरुण की शादी जिसके साथ हुई थी, I mean उसकी पत्नी का नाम आलिया है। जिसे सुनकर तभी काव्या को काफी बड़ा झटका लगेगा और करण, राखीमा, शौर्य, राजवीर सबके होश उड़ जाएंगे। और तभी करीना बुआ पलकी को कहेगी कि पलकी ये तुम क्या कह रही हो। तभी पलकी कहेगी हाँ करीना बुआ, यह सच है, वरुण ऑलरेडी शादीशुदा है और इसकी सच्चाई वरुण की हम जान चुके थे और वरुण की पहली पत्नी आलिया को भी हम साथ में लाने वाले थे, लेकिन इसने हमें बीच में फंसाकर तीनों को किडनैप कर लिया और हमें बेहोश कर दिया और आलिया अभी कहाँ है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन यह वरुण ने जरूर आलिया के साथ कुछ ना कुछ किया है, आलिया की जान अभी खतरे में है। यह वरुण पलकी के साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहता है, इसके कोई डैड लंदन में नहीं है, यह झूठ कह रहा है ताकि पलकी को यहाँ से ले जा सके। जिसे सुनकर तभी करण के होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर तभी करण, राजवीर गुस्से से वरुण के पास जाएंगे और वरुण कहेगा कि ये प्रीता पलकी झूठ कह रही है, ये दोनों नहीं चाहते कि मेरी शादी काव्या के साथ हो और शुरू से इसलिए ये दोनों मेरे पीछे पड़े थे और अभी कोई भी कहानी बनाकर बोल रहे हैं, मेरे डैड सच में लंदन में किडनैप हुए हैं और अभी मेरा वहाँ पर जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसे सुनकर तभी पलकी गुस्से से वरुण को कहेगी कि झूठ मत बोलो वरुण। तभी पीछे से निधि आ जाएगी और निधि चिल्लाकर कहेगी एक मिनट सबके सब रुक जाओ, वरुण मेरी बेटी काव्या के लिए अच्छा लड़का है और मैं मेरी बेटी की शादी सिर्फ और सिर्फ वरुण के ही साथ करवाऊंगी क्योंकि हमने वरुण को पसंद किया है और हमारी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती और काव्या को तो वरुण से प्यार ही है। जिसे सुनकर तभी प्रीता को गुस्सा आ जाएगा और प्रीता गुस्से से कहेगी कि वरुण अच्छा लड़का नहीं है और काव्या को मैंने मेरी बेटी माना है तो मैं मेरी बेटी काव्या की शादी वरुण के साथ नहीं होने दूंगी, आप लोगों को हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, काव्या की शादी वरुण के साथ नहीं होगी बस। और आप ऐसा बने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और वरुण की सच्चाई अब आनी चाहिए क्या नहीं और प्रीता की याददाश्त आनी चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।